हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। जैसे बच्चों, आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा है तो आप उसमें देख चुके होंगे कि हमारा जो वीडियो चल रहा है वो चल रहा है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना फिक्शन चैप्टर वन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ चीज़ों का, कुछ वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अब हम पार्ट टू की तरफ बढ़ रहे हैं और पार्ट टू जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रिक्वेंटली फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। तो आगे आने वाले हफ्तों के दौरान हम उन दोनों बच्चों से, कौन कौन से वो बच्चे थे, जैकोपो एंड निकोला, ठीक है, तो इनसे हम बार बार मिले क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। ठीक है, इफ़ यू वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, अगर हमें एक अमेरिकन सिगरेट का पैकेट चाहिए होता था, और या फिर सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, देखो, और सीट्स ऑफ ओपेरा, या हमें संगीत या नाटक के लिए टिकट लेनी होती थी, या फिर हमें रेस्टोरेंट के किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम जानने की इच्छा होती थी, तो निकोला एंड जैकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम निकोला और जैकोपो को पे इजीली जो है वो ट्रस्ट कर सकते थे। ठीक है, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज देयर विलिंगनेस टू वॉक। जो बात व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो थी उनकी काम करने की जो तत्परता थी। ठीक है, ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन दे शाइंड शूज सोल फ्रूट हॉकंड न्यूज़पेपर कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रैन एरेंड्स। तो इन गर्मियों के दिनों में भी, तपती हुई धूप में भी, वे जूते पॉलिश करने का काम किया करते थे, फल बेचा करते थे, घूम घूम कर समाचार पत्र न्यूज़पेपर बेचा करते थे, टूरिस्ट को पूरे शहर में घुमा दिया करते थे, और दूसरों के लिए छोटे मोटे काम तो हमेशा ही वो कर दिया करते थे। वन नाइट, एक रात की बात है, वी केम अपॉन दैम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर रेस्टेड ऑन द स्टोन पेमेंट बेनेथ द लाइट। तो एक रात की बात है, वे बहुत ही तूफानी और सुनसान चौराहे पर हमारे को अचानक से मिल गए, और दीपक जो स्क्वायर, ये जो लाइट्स होती हैं उनके नीचे एक जो पथरीली सी ज़मीन थी उस पटरी पर वो आराम करते हुए दिखाई दिए। निकोला सेट अपराइट टायर्ड, निकोला सीधा बैठा हुआ था और थका हुआ लग रहा था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, अनबिके समाचार पत्र जो अभी बिके नहीं थे वो उसके पैरों के पास पड़े हुए थे, उनका जो बंडल था वो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। जैकोपो हिज हैड रेस्टेड अपॉन हिज ब्रदर शोल्डर वॉज एस्लीप, और जैकोपो अपने भाई के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए सोया हुआ था। इट वॉज नियरली मिड नाइट, और लगभग आधी रात हो चुकी थी। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, निकोला तुम इतनी रात को बाहर कैसे हो, लेखक ने पूछा। वेटिंग फॉर द लास्ट वर्स फ्रॉम पंडुआ, तो उसने कहा कि पंडुआ से आने वाली, पंडुआ एक नेमिंग वर्ड है, एक जगह का नाम है, तो पंडुआ से आने वाली आखिरी बस की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, तो जब वो यहाँ पर आएगी तो हम अपने जितने भी हमारे पास ये पेपर बचे हुए हैं न्यूज़पेपर, हम उनको बेच लेंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और आज तो बोलते तुम कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हमें इससे लेकिन कोई शिकायत नहीं है श्रीमान। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माय शू शाइंड, आई सेड निकोला, द वे यू एंड जैकोपो यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। पर अगली सुबह जब मैं जूते पॉलिश करवाने के लिए वहीं पर वो फुवारे फाउंटेन के पास गया, तो मैंने निकोला से कहा कि निकोला और तुम्हारा भाई जो जैकोपो है, जिस तरह से तुम काम करते हो तो सीधी सी बात है बहुत पैसे कमा लेते होंगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, पर तुम अपने कपड़ों पर
कुछ भी खर्च नहीं करते ऐसा लगता है. यू ईट लिटिल एनाफ व्हेन आई सी यू हैव अ मील, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिक्स. टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी. तुम खाते भी बहुत कम हो, जब मैंने तुम्हें खाना खाते हुए देखा तो तुम काली और बासी रोटी खा रहे थे, वो भी अंजीर के साथ, फिक्स मन अंजीर. तो तुम मुझे बताओ कि इन पैसों का तुम करते क्या हो. ही कलर्ड डीपली अंडर द सनबर्न, देन ग्रू पेल, ही लुक टू द ग्राउंड. धूप से उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा शर्म के कारण वो थोड़ा लाल हो गया और थोड़ा पीला पड़ गया और वो ज़मीन की तरफ देखने लग गया. यू मस्ट बी सेविंग अप टू गेट टू अमेरिका, आई सजेस्टेड. तुम अवश्य ही बोलते हैं अमेरिका में बसने की तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए तुम पैसे बचा रहे हो. मैंने एक अपना सुझाव देते हुए कहा. ही लुक्ड एट मी साइडवेज, स्पोक विद एन एफर्ट. उसने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखा और थोड़ा सा एफर्ट करते हुए बोला. वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान. कि हमारी अमेरिका जाने की इच्छा तो है किंतु प्रेजेंट में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, योजनाएँ हैं. वॉट प्लान्स? कैसी योजनाएँ, कैसे प्लानिंग? ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली. जस्ट प्लान सर, वी ही आंसर इन अ लो वॉइस. वह असुविधापूर्ण ढंग से थोड़ा सा मुस्कुरा दिया. अनकम्फर्टेबल माने असुविधापूर्ण. सिर्फ प्लान ही है, योजना ही है श्रीमान जी, उसने एक थोड़ी सी लो वॉइस में आंसर दिया, धीमी आवाज़ में. वेल आई सेड वी आर लिविंग ऑन मंडे, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो. तो ठीक है, मैंने कहा हम मंडे को यहाँ से निकल रहे हैं सोमवार को, तो क्या कोई ऐसा काम है जो जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब इससे आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी इसके part 3 में. तो अगर आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है या आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और 3rd पार्ट के लिए वेट करिए. थैंक यू.